यहाँ पे ऐसे घाट है कि अगर आप नीचे उतार लोगे देखो कितना डिफरेंस है, आप वापस गाड़ी चढ़ाओगे कैसे। वाओ व्हाट अ सेक्सी टर्न यार, मजा आ गया। ऐसे टर्न्स ही मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड कर्वे तो थोड़ा देख के चलाना पड़ता है क्योंकि एकदम से उस साइड से गाड़ी यहाँ भी आ जाती है। वादियाँ, पेड़ पौधे, हरियाली, इन सभी के बीच में बड़ा अच्छा लंच रहा, काफ़ी मज़ा आया। और अब फाइनली निकल चुके हैं अपन और अब डायरेक्टली पिपरिया में रुकेंगे क्योंकि वहाँ पे अमित भाई ने बोला था कि मिल के जाना। और भाई का जैसा कि मैंने बता चुका है कि आपको एक फूड ट्रक है रिप क्रेविंग नाम से, तो वहाँ पे ज़रूर रुकेंगे, टेस्ट करेंगे वहाँ का खाना और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे तो मेरा खाना हो चुका है बट स्टिल इट इज़ वेरी नेसेसरी कि यहाँ तक आए हैं तो भाई के यहाँ पे जाएं क्योंकि भाई ने अपन को इतना टाइम दिया है। अपना आज की डेट में भाई ऐसा है, सिर्फ टाइम की ही वैल्यू होती है, किसी और चीज़ की नहीं होती। तो अगर कोई इंसान अपना टाइम दे रहा है इट मीन्स कि ही मीन्स समथिंग टू यू एंड यू मीन समथिंग टू हिम, तो बस वही चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल निकल चुके हैं अपन और अच्छा माहौल हो रहा है, मज़ा आ रहा है। दोपहर हो गई है और काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है और यहाँ पे ज़्यादातर बंदर बैठे हुए हैं और वो देखो चोक स्लैम मार रहा था वो तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं। ये देखो ये क्या अलग अलग तरीके से बैठे हैं, कोई सनबात ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मज़ेदार है इन लोगों का भी। मज़ा आया लेकिन कुल मिला के आज। और पचमढ़ी वॉज लेट, ज़्यादा हमने घूमा नहीं पचमढ़ी, जस्ट रोड ट्रिप एंड ऑल। कितने दिन और आएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, आज तो एक ही दिन का प्लान था क्योंकि सब कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। तो मैं भी खुद रीवा से कल वापस आया रात में और रात में वापस आने के बाद रात को कितने लेट मैंने चेन ल्यूबिंग किया, आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में। तो लाइक 10:30-11 बजे शायद मैंने चेन ल्यूबिंग की है और उसके बाद मैं फिर सोया हूँ 2 बजे। 3 बजे मोक्ष भाई का कॉल आ गया था कि भाई चलना है, एंड रेडी हुए, तैयार हुए, सारी चीज़ें की, नहाए धोए, फ्रेश हुए, पूरी चीज़ें करने के बाद मतलब 4:30 बजे का मीटिंग का करा था हमने, 5 बजे हम लोग निकल गए थे। तो मतलब मेरा भी रेस्ट हो नहीं पाया एक्चुअली क्योंकि मैं ट्रेन में था, तो ट्रेन में 2 ट्रेनें चेंज करनी थी, शायद वाला ब्लॉग भी आपने देखा होगा, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि यार इतना ज़्यादा ट्रैवल होने के बाद आपको रेस्ट चाहिए रहता है, लेकिन मैंने रेस्ट ही नहीं किया था तो इस वजह से मैं तुरंत निकल गया। तो मैं भी थका हुआ था, एक दिन का प्लान था इसलिए मैंने भी मना नहीं किया। तो अब फाइनली अपन वापस निकल रहे हैं घर और यहाँ लिखा गया है धन्यवाद, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा बोलना चाहिए मुझे। और सारी ग्रीन कलर की जिप्सियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो ऐसी कोई चेकिंग वैकिंग तो हुई नहीं यहाँ पे और कोई कोरोना का भी ज़्यादा वो नहीं है इस क्षेत्र में एटलीस्ट। और स्पेशली मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर जगह बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, सारी चीज़ें, बट यहाँ उतना कुछ था नहीं। देखो कोई भी मास्क नहीं पहना, इनफैक्ट यहाँ पे ये 4 लोग जा रहे हैं एक साथ बाइक पे, तो कुछ ऐसा खास है नहीं। तो शायद यहाँ केसेस कम होंगे या मे बी नहीं हों, कुछ कह नहीं सकते, बट यह कि कुल मिला के बाद मज़ा आया ट्रिप में और आज की ट्रिप यादगार रही। पचमढ़ी से तो पुराना नाता है, फिर कभी आएंगे तो आप लोगों को यहाँ की खास चीज़ें विज़िट करवाऊँगा। और अब तो डेफिनेटली ये पहली बाइक ट्रिप थी तो अब बाइक ट्रिप चालू रहेगी हमेशा के लिए। और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो सो दैट आपको रेगुलर अपडेट आती रहे। तो फाइनली वी आर गोइंग टूवर्ड पिपरिया गाइज, एंड अब मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी जाने की ट्रिप का स्टार्ट हो चुकी है और अभी फ़िलहाल बज गए 2:38, तो 2:38 हो चुका है और फ़िलहाल अपनी ट्रिप चालू हो चुकी है वापस जाने की। मिरर्स इसलिए फोल्ड करके रखें क्योंकि आगे से पूरे टर्न्स हैं तो टर्न्स पे बिल्कुल भी सही नहीं रहता मिरर खोलना क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल लेन रोड है और उस पर बाइक चलानी है तो इट इज़ वेरी टफ। सो फाइनली निकल गए तो अब देखते हैं आज क्या क्रेजी होता होने वाला है। आज सुबह से अपन घूम ही रहे हैं, कल रात से, इनफैक्ट 3 दिन से कुछ ना कुछ नया चल ही रहा है। सो
काफ़ी मज़ेदार रहा पचमढ़ी हमेशा की तरह, और आपको भी मज़ा आया होगा आई होप, क्योंकि ट्रैवल व्लॉगिंग मैंने की नहीं है, यूजुअली भोपाल में करता रहता था, बट आज फाइनली पचमढ़ी से अपना उद्घाटन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब आगे भी जल्दी ही हम लोग काफ़ी सारे व्लॉग लाने वाले हैं, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो अपना। एंड ये हम पचमढ़ी के गेट से बाहर निकल गए, जो मेन गेट है यहाँ का। एंड एक चीज़ है कि जो बाइकर्स हैं उनके लिए कोई टिकट्स वगैरह नहीं कटते, जो काउंटर पे कटवाने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पे घूमने का एक अलग टिकट कटवाने पड़ेंगे आपको, अगर कुछ यहाँ की साइट्स विज़िट करना है तो उसका भी नॉमिनल रेट है 200 रुपीज़ पर डे पर बाइक है, तो इट इज़ वेरी नॉमिनल, आप कभी भी कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। तो मज़ा आया आज काफ़ी, छावनी परिषद पचमढ़ी, पुनः पधारिए, बिल्कुल पधारेंगे हम, बिल्कुल आएंगे आपके पचमढ़ी में, मुस्कुराइए आप पचमढ़ी में, वो बड़ी अच्छी टैगलाइन दिखी मुझे। तो अब पतली वाली रोड चालू हो गई है, और ये 50 किलोमीटर का घाट है जिसमें प्रॉपर एक सिंगल लेन रोड है, जिसमें दोनों गाड़ियाँ इतनी पतली पट्टियों पर चलती है, तो इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि यहाँ तो चलो प्लेन रोड है, आगे जाके घाट आ जाएगा पूरा, तो घाट सेक्शन में ड्राइव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन 7-8 बजे तक मैक्सिमम घर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 बजने वाला है, 3 बजे से अगर 7 बजे तक लगा लो तो 4 घंटे होते हैं। अब वो तो देखते हैं, वक्त ही बताएगा कि कहाँ कितना टाइम लगता है, क्योंकि रोड बीच में ख़राब है काफ़ी जगह, और अभी तो ये 50 किलोमीटर का घाट है, तो सबसे पहले तो ये घाट उतरना है, देखते हैं क्या होता है, स्टे ट्यून्ड एंड बहुत मज़ा आने वाला है आज। ये जो टर्न्स है ना, वाह व्हाट अ सेक्सी टर्न यार, मज़ा आ गया, ऐसे टर्न्स ही मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड कर्वे तो थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से उस साइड से गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। सिंगल लेन रोड है बट टर्न्स का अलग मज़ा है, कुछ भी कह लो। खैर मैं बहुत ज़्यादा बातें करने लग गया हूँ आजकल, खैर मेरी लाइफ ही तुम लोग हो यार, तुम लोगों से बातें नहीं करूँ तो फिर मेरे को अधूरापन मतलब बहुत अधूरापन महसूस होता है। क्या बात है, कर देखो कितना सेक्सी है, जाने के कर ज़्यादा अच्छे हैं, वाओ। यहाँ पे यही दिक्कत आती है कि कहीं से भी कोई भी आ जाता है और एकदम से फिर आप रोड के नीचे उतर जाते हो, जैसा अपन उतरने वाले थे बच गए। वो काफी ज्यादा सेक्सी कार, बढ़िया कार, बस थोड़ा देख के चलाना पड़ता है आगे से कोई और ना आ रहा हो, क्योंकि सारे अंधे मोड़ हैं, तो ब्लाइंड कर्व पे अक्सर ये होता है कि आपको दिखता नहीं है कि आगे से कौन आने वाला है, क्योंकि कर्व इस तरीके का रहता है, कैसा ऐसा कैसा मालूम ना, ऐसा वाला यू टाइप का, तो थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, बीच बीच में भाव भी आ जाते हैं। ये देखो यहाँ ये लगा के रखा है इन्होंने, ताकि आपको दिखे कि यहाँ से एक्चुअली कौन आ रहा है, और अपने साथी लोग भी आ गए। ये देखो ये कैसे चला रहा है पिंक कार वाला, मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे लोगों को लिटरली कौन सी गाली बको ये सोचना पड़ता है कि इसको कौन सी गाली दूँ मैं, क्योंकि भाई लोग ऐसे ही चलाते हैं। अब आप सोचो भाई इतनी पतली रोड है, बाइकर्स की क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और बात यह है कि फिर वो तो आप निकल गए, जिस दिन किसी 4-5 बाइकर के ग्रुप से भिड़ जाओगे तो फिर क्या होगा, मतलब क्या ही होगा फिर। और अपन दिल के अच्छे हैं, अपन लोग तो फिर भी चलो ठीक है अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है यार, आप खुद की लाइफ तो रिस्क कर रहे हो, खुद की फैमिली की भी कर रहे हो जो कार में बैठी है, प्लस दूसरे की भी कर रहे हो, एंड आपके पास 4-व्हीलर है वो तो फिर भी संभल जाएगी यार, 2-व्हीलर नहीं संभलती इजीली, और 2-व्हीलर के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये देखो ये कितना बड़ा गैप है, तो ये गैप में यूजुअली ये होता है कि गाड़ी उतर जाती है तो वापस चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आप नहीं चढ़ा पाते, सीधा नीचे ही गिरती है गाड़ी, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो।
सा लीन ज़्यादा हो गए थे तो डिसबैलेंस हो रहा था कम स्पीड में, क्योंकि आगे की स्पीड अपन तेज़ जब करें जब आगे से पता हो कि गाड़ी नहीं आएगी तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। और मैं वैसे भी सीख रहा हूँ, वैसे सीखने के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है और ख़तरनाक भी। टोक्यो ड्रिफ्ट है भाई ये, भोपाल के 200 किलोमीटर पास का टोक्यो ड्रिफ्ट। यहाँ पे आप पूरा फील ले सकते हो कार से। रिस्क भी है साहब, रिस्क तो हर चीज़ में। गुड्डू भैया, पचमढ़ी की रोड उतरते टाइम यार एक प्रॉब्लम आती है कि आपकी बॉडी अपने आप आगे की तरफ लीन हो जाती है जब आप कर्व लेते हो और ब्रेकिंग करते हो, और इस वजह से हाथ में दर्द होना चालू हो जाता है। अभी मेरी रिस्ट पेन होना चालू हो गई है क्योंकि अपन अब ढलान पे उतर रहे हैं। आते टाइम पेन इतना नहीं हो रही थी जितना जाते टाइम हो रही है। ये कर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सामने से दिख रहा था कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो ये कर अपन थोड़ा अच्छे से ले पाए। अभी तो आगे काफ़ी देर तक सीधा ही सीधा जाना है, मतलब काफ़ी देर तक तो नहीं, थोड़ा बहुत सीधा सीधा। और अब हाथ दर्द देना चालू हो गए ख़तरनाक तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट पेन हो रही है क्योंकि पूरा लोड आगे आ रहा है। भले अपनी बाइक टूरिंग के लिए है लेकिन यह है कि ढलान पे वैसे भी इंसान आगे की तरफ थोड़ा सा पुश हो जाता है, तो इसी वजह से हाथ पे लोड आ रहा है जो थोड़ा सा अब प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पे लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लिटरली कितने जस्ट बाजू से गया है वो आदमी, थोड़ा भी अपनी गाड़ी को साइड में नहीं उतारते। यहाँ से अपन नीचे उतारेंगे तो अपन गिर जाएंगे, ये अपने साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अपन वापस ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये सड़क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्लस नीचे कुछ भी नहीं है, खाई है सीधा। और वो लोग तो एटलीस्ट फोर व्हीलर है तो आपकी फोर व्हीलर तो संभल जाएगी, लेकिन लोग संभलते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। मतलब लोगों को सिर्फ अपना दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता। काफ़ी ज़्यादा बड़ी अच्छी घाटियाँ हैं और सूरज की रोशनी जहाँ जहाँ पे पड़ रही है वो अलग ही जगमगा रहा है, बाकी का ब्लैकआउट हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिख रहा है वो व्यू। दाना बोलता तू नीचे उतार, जबरदस्ती भाई इसलिए गुस्सा आता है इन लोगों पे। तो पचमढ़ी के लिए यही चीज़ सबसे ख़राब है कि अगर आप पचमढ़ी आ रहे हो तो इस चीज़ के हैबिट डाल लो, क्योंकि वो लोग नीचे उतारते ही नहीं है। आपने देखा वो बस ड्राइवर, मैंने पूरी बाइक स्लो कर ली, मैंने फिर उससे बोला भी कि भाई थोड़ा सा नीचे उतार लो क्योंकि यहाँ पे ऐसे घाट है कि अगर आप नीचे उतार लोगे देखो कितना डिफरेंस है, आप वापस गाड़ी चढ़ाओगे कैसे आप ये बताओ। और यहाँ से नीचे ऐसे उबड़ खाबड़ है कि आप नीचे गिर जाओगे, लेकिन नहीं उतारते ही नहीं है। लिटरली इन चीज़ों में कंप्लेन होना चाहिए इन लोगों की, बट फिर अगर आप आ रहे हो तो इन चीज़ों की आदत डाल दो। स्पेशली पचमढ़ी में तो यार कोई नहीं देखता, कोई सुनता ही नहीं है, सब अपने हिसाब से चलाते हैं। तो फाइनली चाय पीने के लिए रुके हैं माँ नर्मदा ढाबा में और अब जाते हैं चाय पी लेते हैं। तो एक तरीके से ड्रग है भोपालियों का चाय, तो चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अभी फ़िलहाल 3 बज के ज़्यादा हो चुका होगा, मतलब कुछ टाइम, और उसके बाद अब सीधा पिपरिया में रुकना होगा अपना। सो यार स्टे ट्यून्ड, वीडियो तो बना लें दो यार कम से कम खाते हुए। हाथ से क्या, मैं जाता जब तक तो वो उठा लिया उसने, वो ज़्यादा फुर्ती रहा था, मैं क्या करूँ, कहाँ गया वो रहा। और वो शेयरिंग चल रही है यहाँ पे अपने पार्ले जी की, हमने अपनी चाय में डुबोने के लिए मंगाया था और वो लोग ले गए अपना पार्ले जी। वो देखो कर्रे में बैठे हुए हैं, शेयरिंग वेयरिंग चल रही है यहाँ पे बंदरों की, ये देखो